कहाँ गए मेरे प्यारे दादाजी जो अंधे बन के ठरक दूर करते थे? हाँ, मिल गए। आपकी वजह से भगवान ने मुझे इतना बड़ा श्राप दिया कि हर शाम को मैं अंधा हो जाता हूँ। करेक्ट 6 o'clock। एक कदम, दो कदम, तीसरे कदम। माँ, क्या हुआ बेटा? नोटी गर्ल, मना किया है ना 6 के बाद घर की चीज क्या सर की मांग भी नहीं बदलना। मेरे को हाथ लगाएगा? तेरा और तेरे बाप का डीएनए मैच करता है तो मार के दिखा। तू फिर मार खाएगा। अरे कुछ नहीं होगा रे, चलो आईडी दिखाओ, शुरू हो जाओ। टाइम क्या देख लूं? अरे बाप रे, बत्ती गुल होने वाली है। निकल लेता हूँ चुपके से। शुरू हो जा भाई। लोचा हो गया। मेरे बटुए से कैश कौन गायब कर रहा है? अभी जाल बिछाता हूँ। हाँ, 5:30 बजे हैं चोर पापा। उत्तरी, ये तो बहुत ही सुंदर है। अरे लेकिन क्या हुआ? इसका पिछला हफ्ता शादी हो गया, आप लेट हो गए। लेट? कैसे फोटोज लाए हो? अगर ये लड़की मान गई तो इसका एहसान समझना। क्या बात है, थैंक यू। बहुत पते की बात की पंडित। क्या है? अरे तुम क्या कर रही हो? रुक जा, रुक जा। एक ही पंडित बचा था, उसे मत मार। मुझे तेरे जैसे शादी के सेल्समैन की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी मार्केटिंग कर लूंगा। ए, ए, देखा किसी बदतमीजी कर रहा है? एक सेकंड कृतिका, प्लीज मेरी बात मानो, इस न्यूज को कवर मत करो, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। कृतिका, वो लोग बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं यार, तुम उनसे नहीं लड़ पाओगी। इस मैटर को कोई और कवर कर लेगा, हम कुछ और कवर करते हैं ना। प्लीज तुम जिद मत करो, प्लीज। देखो, दरवाजा खोलने से पहले एक बार अच्छे से सोच लो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। हे, हेलो मैम। What happened? So late? Sorry, ma'am. Sorry, sir. I'm really It's sorry. It's okay. Start. Hello, ma'am. Thank you. Sir. आप लोग इन्हें जानते होंगे। ये है केपी। कभी राउडी था। पॉलिटिशियंस के लिए काम करता था। मर्डर, दंगे करवाना, किडनैपिंग, किडनैप करके फिरौती वसूलना। पर आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और ये है शिवा, केपी का छोटा भाई। उसी का शैडो है। केपी का बिल्कुल कार्बन कॉपी। केपी के खिलाफ आवाज उठाने वाले की ये बोलती बंद कर देता है। कई मर्डर केसेस चल रहे थे इसके खिलाफ, लेकिन कभी सबूत नहीं मिले। केपी के सारे इलीगल बिजनेस शिवा ही हैंडल करता है। अपने काम के लिए केपी कॉलेज की इनोसेंट लड़कियों को इस्तेमाल करता है, उन्हें जबरदस्ती उठवा कर उन्हें इलीगल काम करने पर मजबूर करता है। उनकी हेल्प करने वाली ये प्रोफेसर है विमला रानी। कॉलेज के स्टूडेंट्स और विमेन एनजीओ के मेंबर्स कल शाम केपी के खिलाफ सी बीच के पास प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मुझे यकीन है कि केपी के गुंडे उन्हें भगाने की कोशिश करेंगे। इस इवेंट को मैं कवर करना चाहती हूँ, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। गो अहेड। भाई, भाई, वसंत बीच पर पब्लिक विमला रानी के खिलाफ धरना दे रही है। अरे आदि, रुक रुक, पीछे से क्यों टोका? सुन, बॉस ने तुझे रात में काम पूरा करने को कहा है। शेर किसी के कहने पे दहाड़ मारना नहीं रोकता है। बेटा, शेर दहाड़ नहीं मारेगा तो हमारा पैसा वो खा जाएगा। खाने दे पैसा, झुलाव लगेंगे उसे। अरे बाप रे,
पांच चालीस हो गए भाई। एक मिनट, अरे 6 बजे वाली दुकान अभी खुल गई। बोल भाई। हेलो बाला। अरे यार बीच के सामने बाइक खराब हो गई है, तू आ जाना यार। नहीं अभी नहीं आऊंगा, 6 बजे के बाद मेरा मदद करने का टाइम शुरू होता है, मैं ओवर टाइम नहीं करता भाई। विकलांग की दुआ लगेगी, प्लीज आना। किधर आने का है? अपना बसंत नगर बीच, चतुर सिंह के सिंह चनिखा आता हूँ। बाइक के सीधा सामने बैठता हूँ, आसानी से दिख जाऊंगा। बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा, रेडियो सुनता हूँ फुल वॉल्यूम। हेलो दोस्तों, ये है 95.3 फन एफएम। आज एक रैप चेक ढिंग चेक दिन है, क्यों ना एक रैप सॉन्ग सुना जाए। दोस्तों स्टूडियो बत्ती गुल होना शुरू हो गई, तो अगला गाना सिर्फ आपके लिए, सुनते रहिए। इस वक्त मैं वसंत नगर बीच के ठीक सामने हूँ। यहाँ विमला के खिलाफ धरना हो रहा है। यही वो विमला रानी है जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, और बताया जा रहा है कि जनता उनके खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट कर रही है। चलिए लोगों से ही जानते हैं वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बीच को तुरंत खाली कर दीजिए, नहीं तो हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। मुझे बताइए किस वजह से ये आंदोलन हो रहा है? आखिर औरत के साथ ही क्यों अन्याय होता है? औरतों की सेफ्टी पर बात करने वाले लोग ऐसे समय कहाँ चले जाते हैं? इंसानों को बनाने वाले जिस ईश्वर की हम इतनी पूजा करते हैं, उसी तरह इंसान को पैदा करने वाली नारी भी तो ईश्वर का ही रूप है। ये दुनिया एक औरत की इज्जत करना कब सीखेगी? भोली भाली लड़कियों का फायदा उठाने वाली प्रोफेसर विमला रानी को पुलिस जब तक अरेस्ट नहीं करेगी, हम नहीं हटेंगे। तो क्या ये मोर्चा सफल होगा? आइए देखते हैं। कितनी मीठी आवाज है। फुल वॉल्यूम में जो बेस सुनाई देता है इन हेडफोन्स में, वाह। कौन है? शिवा है। हेलो भैया, ये आंदोलन गलत राह पे जा रहा है, ऊपर से भीड़ बढ़ती जा रही है। अब क्या करना है? वहाँ पर कितने लोग हैं? ये कुछ 300 लोग होंगे। वहाँ पर एक ही सच्चा नेता होगा, बाकी पैसा लेकर भौंक रहे हैं। उन पर लाठियां बरसाना शुरू करो, तुम दबाकर वहाँ से भाग जाएंगे। बाकी का काम मुझ पर छोड़ो। कितने पंटर हैं तेरे साथ? अपने 25 लड़के। किसी को मत छोड़ना। अब सब लोगों को 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक यहाँ एक आदमी नजर नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगर कोई रुका ना तो उसे यहीं जिंदा गाड़ दिया जाएगा। गिन बे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नहीं डरेंगे, नहीं हटेंगे, आंधी आए या तूफान, डंडे मारो पत्थर फेंको। नहीं डरेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं हटेंगे। निकलो, कोई दिखना नहीं चाहिए, जाओ निकलो, सब निकल जाओ यहाँ से, चलो, कोई होशियारी नहीं, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो, दिखाई मत देना। क्या सुर है, ओहो, कान से हेडफोन निकालने का मन ही नहीं कर रहा है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। ओहो वाह, मानना पड़ेगा। लाते
ए, तुझे अलग से कहना पड़ेगा क्या? लगता है तू बड़ी जल्दी ऊपर जाना चाहता है। अच्छा, ये बीच पे इतने सारे मच्छर कहाँ से आ गए? भाई, वहां पर एक ही सच्चा नेता होगा। अलग गंभीर हो गया सर, आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, आपको यहाँ से जाना ही होगा सर। सर, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज आप चले जाइए। तेरा जुलूस तो मैं निकालूंगा। माँ के संविदा तो लोग धरने पे बैठे हैं, कौन होगा इनका लीडर है? लीडर का पता नहीं, अपने राइडर को फोन करता हूँ, बाइक खराब करने बैठा है। हेलो 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 भाई। अरे किधर बैठा है? अरे क्या हो गया, मेरी बीमारी तुझे लग गई है क्या? आगे खोल के देख, बाइक की सीध में बैठा हूँ। अरे तेरी बाइक के सामने ही खड़ा हूँ, इधर किलो के हिसाब से लोग धरने पर बैठे हैं, तू कहाँ है? क्या धरना, ये लोगों को भी कुछ काम धंधा नहीं है, फ्री में बैठे बैठे बस धरना करते रहते हैं। इस भीड़ में कहाँ दिखेगा तू? एक काम कर, अपने फोन की टॉर्च ऑन करके दिखा। टॉर्च ऑन करूं? अच्छा एक मिनट रुक, ये सब लोग क्या एक ही रेडियो चैनल सुन रहे हैं? टॉर्च ऑन कर दी, दिखाई दे रहा हूँ क्या अभी? हेलो हेलो हेलो, अरे किधर है तू भाई? एक ही जगह हजार बत्तियां चल रही है। क्या बात कर रहा है, मुझे तो लगता है तू भी अंधा हो गया। स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करने वाली प्रोफेसर विमला रानी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बसंत बीच पर हुए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के चलते ही ये सब संभव हो पाया। मेरी बात सुनिए, आपकी बात मान ली गई है, विमला रानी को अरेस्ट कर लिया गया है, अब ये बीच खाली कर दीजिए। इन्होंने कंधे पे उठा लिया, आपको दिखाई दे रहा हूँ ना। ले गजब, तू ही तो दिखाई दे रहा है। बस बस भाइयों, उसने देख लिया, अब उतार सकते हो। तू हीरो बन गया रे, ये लोग तेरे को रास्ता दे रहे हैं। ये धरना था किस बात के लिए? सनी लियोन ने पिक्चर में काम करना बंद कर दिया। तो फिर क्या करेगी? अरे अरे, मेरी बाइक वहाँ पे। अरे वो मैकेनिक ले जाएगा। अरे टायर में साइकिल का लॉक तो लगा के जा। मैंने पता लगवाया है सर, वो एक मामूली साइट इंजीनियर है, उसे ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, हमें उससे कोई खतरा नहीं, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना बेकार है सर। जाने दो उसे। भैया आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? देखना वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन के सामने आ जाएगा, उसे अभी उखाड़ के साइड करने में ही समझदारी है। क्यों भाई, सारी दुनिया को हम अपनी उंगली पे नचाते हैं और इनको दो टके के छोकरे से डर लगने लगा है, लानत है। छोड़िए, आपसे आज तक कोई पंगा ले पाया है क्या? और क्या। ए, तू क्यों फालतू में भाई को ऊपर चढ़ा रहा है? मेरी बात सुन, मेरा कहना मान, उसको चुपचाप उड़ा देते। तेरे बोल, भाई सुन लेंगे। तुम बेकार ही उसे भाव दे रहे हो, कोई आदमी सिर्फ दो वजह से आंदोलन करता है, पॉलिटिक्स में एंट्री या फिर पैसों का लालच। बात कर उससे, पूछो कितना माल चाहिए। भैया उसे देखकर लगता नहीं वो पैसे से मानेगा। ए, एक काम कर, वार्निंग दे डाल उसे, फैमिली तो होगी ना उसकी। चल
नमस्ते। काफी सुंदर घर है, एक प्यारी सी बीवी भी है। सुना है कि आपका एक ही बेटा है, उस बेटे की शादी करवा के पोते के साथ खेलने का मन नहीं है क्या? लक्ष्मी, क्या हुआ जी? शादी करवाने वाला ब्रोकर आया हुआ, जरा बाहर तो आओ। हाँ, आ रही हूँ। कौन है? कभी देखा नहीं आपको। ओ, श्रीनिवास ने भेजा है। इस बार तो ढंग की फोटोज भेजी है ना। हाँ, आलिया जैसी कोई लड़की होगी तो चलेगी। यही मेरी सुंदरता का राज है। तो तेरे राज मेरे को ही पता है भाई। कौन है, चंदा मांगने आया क्या? ब्रोकर है, शादी के लिए फोटो लाया है, एक बार देख तो ले। माँ, तुझे सास बनने की इतनी जल्दी है ना कि किसी को भी उठा के घर में ले आती है। ए, चलने के लिए आजे। आप इस पे ध्यान मत दो बाला, तू इसका अच्छा दोस्त है ना, तू ही देख ले फोटोस और कोई पसंद आ जाए तो इसको भी दिखा देना, ठीक है? नहीं चाहिए उसको, भूल जा, शादी के लायक नहीं है। मेरे लिए कोई मस्त दिखा यार, गालों पे डिंपल चाहिए, आंखें एप्पल जितनी बड़ी, और कोई लफड़े वाली नहीं, एकदम सिंगल चाहिए। उसकी स्माइल ऐसी होगी मेरी एसिडिटी पे गुलाब जल छिड़क दे। मेरे को अपना ऋतिक समझे, कमीशन का अपन देख लेंगे, तेरे को खुश कर दूंगा मैं। हैं, तुम लोग कर पाओगे ना? मेरे टक्कर की ढूंढना मुश्किल है, लेकिन फिर भी गाल पे डिंपल नहीं होगा तो भी चलेगा। अरे, मेरे लिए लड़की नहीं ढूंढ सकता तो ना बोलना, टेबल का को तोड़ता है। कौन है तू? अरे क्या कर, क्यों मचा रहा है? क्या हुआ? क्या मजाक बना रखा है? मैं ब्रोकर लगता हूँ क्या तुमको? पूरे घर को खाली कर डालूंगा। आखिर तुम चाहते क्या? भैया ने बोला इसीलिए इज्जत से बात कर रहा हूँ, वरना कल तक तुम सबकी फोटो पे हार चढ़ जाता। बताओगे प्रॉब्लम क्या है? अपने बेटे से बोल मेरे भाई के पचड़े से दूर रहे, अगर बिना परेशानी के जीना चाहते हो तो। अरे, तुझे पहली बार देख रहे हैं, तेरे भाई को कैसे जानेंगे? ड्रामा मत कर, ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है। टीवी पे अपनी शक्ल देख के बहुत ज्यादा हल्ला किया ना कि अब मैं हीरो बन गया हूँ तो काट डालूंगा, समझ गया ना? गाड़ी स्टार्ट कर बे। जी भाई। ए, अब क्या किया तूने? करने को मिलता कुछ नहीं किया तो बिना कुछ किए इतना महंगा टेबल कोई तोड़ता है? कोई तो। अरे एक मिनट रुको, वो टीवी कुछ बोल रहा था ना, ऑन करके देख। अरे सॉरी काका। यही है वो उभरता हुआ लीडर जिसने अपनी लीडरशिप में बसंत बीच मोर्चे को सफल बनाया। हालांकि गुंडों ने मीडिया के सारे कैमरा तोड़ डाले, हमारे संवाददाता कृतिका ने किसी तरह से अपने सेल फोन से लीडर की फोटो लेने में कामयाबी हासिल की। आज ये पूरे देश के हीरो बन चुके हैं। पूरे देश को उम्मीद है कि ये आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। कृतिका को ढूंढना पड़ेगा। फ्री में मेरी इतनी प्रमोशन कर दी तो। कृतिका कहाँ? कौन सा? कृतिका, अपॉइंटमेंट लिया है? तो लास्ट ईयर लिया था, उसको आने को बोलो। सर आप थोड़ी देर बैठ जाइए। अरे टाइम नहीं है, जाके बुलाओ ना। आप दोनों का नाम क्या है सर? नाम जान के न्यूमरोलॉजी करेगी, चल फोन लगा उसको। देखिए सर, आप दो मिनट बैठिए, मैं बुलाती हूँ। टाइम पास कर रही है। जब वो सामने आए तो मुझे रोक। अरे शांत गदाधारी भी, कृतिका मैम से दो लोग मिलने आए हैं। मैं बात करता हूँ ना। ओके, क्या हुआ? मैम इस वक्त लाइव शो में बिजी है। कौन से माले पे? सेकंड फ्लोर। चल भाई। देखिए सर, आप लोग ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अगली बार हमारी पार्टी ही सत्ता में आएगी और तुम्हारी जमानत खत्म। इधर कृतिका कौन है? चल बारा। तुम लोग और यहाँ कैसे आ गए? अरे तो तू कृतिका है। इसने दाढ़ी कैसे उगा ली? अरे भाई, लड़कियाँ अगर हफ्ता दस दिन पार्लर ना जाए ना तो इससे ज्यादा दाढ़ी मुँह चुकती है। मुच्छड़ लड़की। मैं लड़का हूँ। घर वालों ने रोका नहीं क्या? दुनिया देखेगी। छोड़ नानी, दाढ़ी मूछ का एक एक बाल खींचूंगा, उसके बाद ना तेरे गंजा बनाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड, अब तुझे कौन बचाएगा? कितनी खूबसूरत है। अच्छा, वो 6 बजे से पहले दिखी। मैं हूँ कृतिका। देखा, अभी लड़की वाली आवाज में बोला। पीछे मुड़ के देखो तो तुम हो कृतिका। रे, हमारे हीरो का वीडियो टीवी में काय को दिखाया? अबे तू कौन है? तुझसे किसी ने पूछा? हा? अरे पूछना तो चाहिए ना। देखो, ये एक सच्चा लीडर है, ये दुनिया को पता होना चाहिए, और यही एक जर्नलिस्ट का धर्म है। ये क्या बक रही है? प्रोटेस्टर वो है
चाहे जूते पड़े या लाठी, वहीं खड़ा रहता है। वो हटता नहीं है और इसने वैसा ही किया है। जब खतरनाक राउडी ने इसकी गर्दन पे चाकू रखा तो इसने घूर के उसे देखा और वो डर गया। वो दुम दबा के भाग गया। वही बताने आए हैं, डरने का सवाल ही नहीं है। इसने उसको देखा ही नहीं था। तुमने मुझे बहुत, अरे तू उल्टा लेटा रहे। आप बोलिए, आप बोलिए ना। मैं सच कहूँ तो एक अच्छे लीडर की सारी क्वालिटीज हैं तुम्हें। क्वालिटीज कब खरीदी रे? मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? फैंस का पे मेरे को भी टैग करना है। भी घेर लेते हैं मुझे। कैसे हो बॉस? आपसे ही बात कर रहा हूँ। मेरी तरह यहाँ का सिस्टम भी अपाहिज है। उसे पैरों पर खड़ा कर दो ना बॉस। ये ऐसा जरूर करेगा। अगर केपी को अरेस्ट करवाना है तो उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाओ। नहीं कृति, रहने दो। अगर केपी तोप है तो आधी मिसाइल है, न्यूक्लियर वाला, उसके साम्राज्य को ब्लास्ट कर देगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो आई लव यू। सॉरी, तुम मुझे पसंद नहीं। आज के बाद मुझसे मत मिलना। चली गई वो, मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। अरे कोई वजह तो बताती क्यों जा रही है। मैंने तो उसके लिए ये सेकंड हैंड डबल बेड भी खरीद लिया था। अरे जब किस्मत में थी नहीं तो अपना सुंदर मुखड़ा क्यों दिखा के गई? अब मुझे वैसा ही मुखड़ा और कहाँ से मिलेगा? भगवान उठा ले मुझे। अरे इतनी जल्दी सुन रही, मुझे उठाने के लिए चार चार यमराज भेज दिए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था ऊपर वाले। तो महसूस हो रहा कि शर्ट पहन लिए, ऊपर सब कुछ अपग्रेड हो गया क्या? अरे सुबह आते ना तो बताता मैं। ए, ए, काले जा रहे हो मुझे? सच बोलो, काले जा रहे हो? शर्ट क्यों निकाल रहे हो? तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? देखो मैं पहले बता दूं, मुझे तेल से एलर्जी है। पैंट पहनना तो उतारना। देखो देखो मैंने अंदर जांघिया नहीं पहनी है। ए, तुम लोग बचोगे नहीं। तुम लोग जो कोई भी हो, मैंने तुम सबके चेहरे देख लिए हैं। नींद में भी पहचान लूंगा। तुम लोग बच नहीं सकते। सर कह रहा है कि चेहरा देख लिया। ए, मुंह से गुटका थूक के बात कर। डरो मत, रात को बत्ती घुल रहती है। ओ समझा, तुम लोग मुझे किडनैप करके मेरे बाप से फिरौती मांगोगे? अरे तुम लोग उसे जानते नहीं हो। अरे उसे अखबार भी पढ़ना होता है तो पड़ोसी का चुरा के लाता है, तुम्हें क्या पैसे देगा? एक नंबर का कंजूस भिखारी है वो। अरे अपने बेटे की पॉकेट मार मार के अपना खर्चा चलाता है। तुम्हें कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। इससे अच्छा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अंडा पाव खिला दूंगा। अच्छा ठंडा भी खिला दूंगा, छोड़ दो। बेटा माँ, तुझे भी किडनैप कर लिया? तुझे हमने ही किडनैप करवाया है। ये तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है।
गुस्सा मत कर बेटा, लड़की दिखाने ले जा रहे हैं तुझे। विवाह के लिए अगवा? यस। मैं पंडित है, मेरे को ज्यादा देना। लाओ लाओ लाओ। अरे मुझे भी चाहिए। ये तो एकदम शुद्ध देसी घी का लगता है। खाएगा? यहाँ कोई बखेड़ा मत खड़ा करना हाँ प्लीज, हम पे थोड़ी मेहरबानी करना, 5 मिनट चुप रहना बस। हाँ अब तू स्टैच्यू बन के क्यों खड़ा है? हाँ तुमने तो बोला है कि मुंह बंद रखना। अबे ओए पूछता ही जा रहा, कब आएंगे वो? वो लोग रास्ते में होगा, एक सेकंड, उन्हीं का फोन है, अभी आया। ठीक है बात कर। हेलो हम पहुंच गए हैं, तुम कहाँ हो? लड़का ठीक लग रहा है, उन्होंने हाँ कर दी। बस तुम राजी हो जाओ, वो तो हो ही जाएगा। वो ओके है तो मैं भी ओके हूँ, तो मुझे पसंद नहीं। नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। ले लो। दहेज का ब्रीफकेस नहीं है ये। काफी देर हो गई। कोई बात नहीं, हम भी अभी अभी पहुंचे। अच्छा, ये मेरी पत्नी है। नमस्ते जी। और ये मेरा बेटा। अच्छा, ये मेरी बिटिया रानी है। नमस्ते जी। और ये है मेरी बिटर हाफ। मतलब बेटर हाफ। कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है, इग्नोर कर रहा है मुझे। वैसे आपका बेटा करता क्या है? सिविल इंजीनियर है, अभी जॉब में है, लेकिन बहुत जल्द खुद की कंपनी खोलने वाला है। वैसे जब से हम आए हैं ये उस तरफ क्यों देख रहा है? ऐसी बात नहीं है, थोड़ा शर्मीला है। शर्मीला है? गुड गुड। तो नीचे देखना चाहिए ना, जो ताजे तस्वीर असली मत देना। आजकल शर्माने का लेटेस्ट स्टाइल है। धोखेबाजी करके जो माँ बाप का फर्ज निभाया है उसका कर्ज इज्जत का फालूदा करके उतारूंगा। आइंदा लड़की तो क्या टीवी पे सीरियल देखने भी नहीं बुलाएंगे। लगता है लड़के को मुझ पे भी इंटरेस्ट है। ये कितने मजे का प्यार से देख रहा है। ए क्या हुआ? पैसे घूरना बंद कर, रॉन्ग नंबर पे लाइन जा रही है तेरी, समझा? क्यों भाई साहब, आपको हमारी बेटी पसंद आई या नहीं? मुझे तो पसंद, मुझे बुढ़िया पसंद नहीं आई। शक्ल देखते इसके चाल चलन समझ गया हूँ मैं, ये उस टाइप की है। भोला पति पकड़ो और पूरे मोहल्ले को खुश रखो, घर बसाऊंगा मैं और उसका सुख कोई और लेगा। पागल हो गया क्या? दिमाग खराब है तेरा? तभी मैं बोलूँ तुम्हारी जैसी नहीं दिखती, क्या पड़ोसी भी गई है? खिसका हुआ, सॉरी माफ कीजिए। तुम्हारा बेटा दिमाग से खिसका हुआ है। अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में। तुम्हारी शक्ल आने कौन जैसी लगता है? अभी जहरीली नागिन जैसी बच्ची पैदा की है तुमने। चुप हो जा, क्या किया तूने? इतनी अच्छी लड़की थी, कब अकल आएगी तुझे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब बड़ा होगा ये लड़का? ये ओवर एक्टिंग बस करो। सुनो, बात सुनो, आइंदा मुझे कहीं भी लड़की दिखाने के लिए लेके जाओगे? कभी नहीं। सही जवाब। बाबू कहाँ? कब का दुम दबा के भाग गए। जरूर सुई का लंगर खाने के लिए गए होंगे, जल्दी बुलाओ उनको। बुलाओ ना। So, I have already sent the confirmation. अपनी तशरीफ और नजरें उठा के देख, तेरा दीवाना आया है। कभी दिल में आता हूँ, कभी ऑफिस में। तेरी तो ये गाली क्यों दे रही है? ये सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ, बजाऊंगा नहीं। हेलो हेलो, अरे रुको रुको, मेरी बात तो सुनो प्लीज 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 प्लीज। अच्छा तुम्हें ये हुलिया पसंद नहीं आया तो मैं बदल के आता हूँ, बस 5 मिनट दो। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, यहाँ से चले जाओ। अचानक मुझसे इतनी नफरत क्यों? आखिर मुझ जैसी बुढ़िया से कौन शादी करना चाहेगा? तुम किस लिए आए हो? हाँ ये सारी बातें तो मैंने उस अरे बात सुनो मेरी,
कृति प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारे चरणों की धूल बनने को तैयार हूँ। मैं भीख मांगता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, 2 मिनट नहीं 5 मिनट दे दो बस। मैंने कल तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इसलिए नाराज हो ना। अब समझाता हूँ ऐसा क्यों किया। याद है जब मैंने प्रपोज किया था तब तुमने क्या किया था? तुमने भी मुझे रिजेक्ट किया था। फिर अचानक मेरे माँ बाप अपनी कसम देकर मुझे एक लड़की दिखाने के लिए ले गए, पर तुम्हें देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। मेरा दिल खुशी के मारे कलेजे पे चढ़ के उछल के बाहर आने वाला था। मन किया मंगलसूत्र पहना और सीधा सेठ सजा दूं, मतलब घोड़ी पे चढ़ जाऊं, पर मैंने किसी तरह अपने अरमानों को दफन कर दिया। पूछोगी नहीं क्यों? हेलो, अरे पूछो ना क्यों किया। अच्छा ठीक है, मत पूछो, मैं खुद ही बता देता हूँ। तुमने कहा मुझे लाइक नहीं करती, तुम्हारी खातिर मैंने वो सब किया ताकि तुम्हारा परिवार खुद शादी से मना कर दे। समाज और माँ बाप के लिए उससे शादी ना करो जिसे तुम चाहती तक नहीं हो, तुम्हें सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए। चाहो तो आज मुझ पे मीटू का केस ठोक दो, पर जिससे प्यार नहीं करते उसके साथ 2 कदम भी आगे बढ़ना किसी खुदकुशी से कम नहीं होता। नसीब वालों को प्यार मिलता है। गाड़ी पटरी पे आ रही है, आ रही है। मेरे दिल के फ्लैट पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इस फ्लैट का पोजीशन मैं सिर्फ तुम्हें ही दूंगा, मेरा वादा है। अपने प्यार का ताबा तुम्हें ही दूंगा। चलता हूँ, आज से सोशल और पर्सनल दोनों डिस्टेंस रखूंगा, एकदम दूर रहूंगा। हाँ बोलो। मैंने नहीं बुलाया। अच्छा एक्सक्यूज मी, कान में तुम्हारी आवाज गूंज रही है, लगता है दीवाना हो गया हूँ, प्यार में ऐसा होता है। हेलो। हाँ मैंने ही बुलाया। मुझे हाँ बोलो ना। बिल कौन पे करेगा? मैं दिल की बात कर रहा हूँ और ये बिल की बात कर रही है। खड़ूस कहीं की। मुझे आइसक्रीम चाहिए। हाँ? ए वेटर, इधर तो आ। क्या दिया ये? बिल सर। बिल पर हमें आइसक्रीम का ऑर्डर दे रहा है। ओ, पैसा डिजिटल हो गया इसलिए टिप मिलना बंद हो गई है। छुट्टा तो मिलेगा नहीं, तो आइसक्रीम मांग लो। तू बुआ का बच्चा, जो आइसक्रीम दिलाऊं? तो फिर क्या मैंने लिखा? सर सच में मैंने नहीं लिखा। जाओ अपने मैनेजर को बुलाओ। हे इजर्ट कहीं के, वो मैंने लिखा था। किसने लिखा? हैंडराइटिंग अच्छी है। कौन सा फ्लेवर मंगवाऊं? तुम्हारी पैसों से तो मैं टॉफी भी ना खाऊं। तो स्ट्रॉबेरी। अगर विमला रानी अप्रूवर बन जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, लेकिन उस लड़की ने गलती से भी कंप्लेंट लिखवा दी ना सर, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब कैसे हुआ? लड़की के दिल से हमारे नाम का खौफ कैसे धुल गया? ये सब उस आदी की वजह से हो रहा है, उसी की हिम्मत के पीछे वो लड़की उछल रही है। इंस्पेक्टर हमारा आदमी था, फिर भी उसे कंप्लेंट लिखनी पड़ी। धमकाने से डर जाएगा, आपने बोला था ना, देख लिया क्या हो रहा है अब, उसे पहले ही उड़ा देना चाहिए था। हाँ ओके। ठीक है, हो जाएगा। ये कंप्लेंट नहीं ले सकता। यही बात बाहर आकर बोल सकते हैं? क्यों, बाहर कुछ खास है क्या? सर, बताइए सर, आप चुप क्यों हैं सर?
मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मेरा काम करने में ही तुम्हारी भलाई है। ये लो, केपी तुमसे बात करना चाहते हैं। देखो नेहा, एग्जाम की फिक्र मत करो। तुम्हारी हायर एजुकेशन, तुम्हारी जॉब, सबकी जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम समझदार हो, सही फैसला ही लोगी। कल शाम मेरे घर आ जाना। विमला रानी को अरेस्ट करवाने वाले आप ही थे ना सर? अरे मैं किसी विमला को नहीं बोल सकता। हाँ हाँ, मैं हूँ मैं हूँ। सर, आदि आपके लिए नासूर बन गया है। आज दौबत यहाँ तक आ गई कि आपको जेल जाना पड़ा। हमें शिवा की बात मान लेनी चाहिए थी सर। चलिए बीजेडीए, हमें काम करने दीजिए। चलिए बीजेडीए, भीड़ मत इकट्ठा कीजिए। चलिए प्लीज पीछे रास्ता दीजिए। चलिए चलिए पीछे जाइए। चलिए जाने दीजिए प्लीज। जाइए, मेरे बाहर निकलने से पहले वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। भाई, ए सभी लड़कों को बुला। आइए आइए, ताजा ताजा सब्जी, हरी हरी सब्जी ले जाइए ले जाइए। यही गई होगा। ये क्या? ये नहीं चाहिए। अंधा है क्या? बेवकूफ कहीं। अरे नीली वाली नहीं है, लाल वाली है। हे, अमरूद लें क्या? पहले ही ले चुका हूँ। ये देखो, ज्यादा फ्रेश है। ठीक है। कौन है ये लोग? मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। बत्ती बलोना शुरू हो गई है। अरे बाप रे, 6 बजने वाले हैं। अब क्या करूं? अरे 6:05 कम है। स्लो मोशन में नहीं, स्पीड में आओ। आंखों का सिस्टम शटडाउन हो गया। इन्हें छोड़ना मत। और तुम मुझे पकड़े रहना। एक आइडिया है। मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो। किस लिए? सबको दिखाना चाहता हूँ कि सच्चाई आंख मून के बुराई को हरा सकती है। बांधो पट्टी। से कोई पास है बता देना, छोड़ दूंगा। खुद को हीरो समझता है क्या? हीरो इसके लिए और विलन तुम्हारे लिए। हे, राइट साइड से आ रहा है। राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट। पट्टी
मैंने वही नहीं कि तुमने ठीक से बोलो दोनों तरफ से कवर किया ए, हिम्मत है तो सामने से वार कर सामने से ऊपर वार कर नीचे नहीं ए, टाइम प्लीज टाइम प्लीज आ जा छोड़ 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 बोला ना पागल हो गया किसी को नहीं छोड़ेगा भाग लो सब चले गए चले गए अब मुझे कौन लेके जाएगा बालिका हमें ऐसी अवस्था में घर ले चलो ताकि हमारे माता पिता देखें कि हम कितने बड़े योद्धा हैं क्या हम प्रवेशम तुम कल्टियम टेक केयर बाबा रास्ता दिखा दो अरे कोई है हे, तेरी खोपड़ी कैसे ला लोगे वो हाथ खाली नहीं थे तो सर से अखरोट फोड़ रहा था तू बता तू अचानक कैसे आ गया यार मुझे प्यार के कीड़े ने काट लिया काटने वाली रहती कहाँ इसी शहर में है दो साल से सोच रहा हूँ कि उसे कह दूँ लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही है तो यार तो क्या मेरे दिल का मैसेज तो उसको फॉरवर्ड कर देना यानी तुझे सवारी भी करवाऊँ और गाड़ी भाड़ा भी तुझे ही दूँ अरे अगर मैं कर पाता तो कर चुका होता ना एक बार मेरे साथ चलना प्लीज यार देख तू बाद में दिल टूटने का बिल मुझ पे मत फाड़ यार तू इस बारे में बहुत जानता है प्लीज चलना प्लीज 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 यार एक अंधे नाबीना का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है अरे तुझे सुरक्षित लेके जाऊंगा और घर भी फ्री में ड्रॉप कर दूंगा यार तेरी बात में वजन होता है इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चल ठीक है कल मिलते हैं उससे ठीक है यार अब मैं समझ गया यही दोस्ती यही प्यार मैंने सोचा था कि तू मेरा एनी टाइम बेस्ट फ्रेंड है अरे रहने दे मैं कोई बात नहीं अरे सुन तो लगता बुरा मान गया जाना ही पड़ेगा इसके साथ पहुंच गया देख के उतरना अरे कैसे देख के उतरू दिखता थोड़ी है हाथ दे अरे ए, क्या हो गया अब तू यही रुक मैं बस आता सामने बैठी हुई है अच्छा ये बता तूने कोई हनीमून पैकेज वगैरह देख के रखा है ना वही सुना के उसे इम्प्रेस कर दूंगा क्या क्या हुआ वहाँ थैंक्स अच्छा ये नहीं है दूसरी है क्या कोई बात नहीं ये होती तो इसे भी डायलॉग मार के तेरे लिए पटा लेता दोस्त ये बढ़िया टेक है इसके बाद एक और टेक ओके श्योर ए तुमने नहीं यहां बुलाया क्या वन सेकंड कैमरा तुम यहां कैसे रुक रुक जाओ कुछ भी बोलना मत वरना मैं भूल जाऊंगा कि मुझे क्या बोलना है हां ये मेरा दोस्त वेंकी ये दिल से नहीं कलेजे से तुमसे प्यार करता है हा? अब क्या बताऊं कितना प्यार करता है अरे ये पगला तुम्हारी प्यार की खातिर चाइना जाने को तैयार है वो भी बिना मास्क पहने ये इतना सीधा है कि बस में धक्का लगने से पहले ही सॉरी बोल देता है देखो कैसे शराफत टपक रही है अरे लड़का हीरा है कैसे समझाऊं तुम्हें देखो मुझे ही ले लो
सुबह चिल्लम से दांत घसते ही फटाफट दारू से गर्रारे करता हूँ। दोपहर का खाना पड़ोसन के साथ, क्योंकि उसका पति घर में ही नहीं होता। दूसरों के टुकड़ों पर पलना और मेहनत से काम चोरी करना, यही अपना स्टाइल है। अब देखो, पूरी दुनिया में 99% लड़के तुम्हें मेरे जैसे मिलेंगे, पर वो 1% में जो शरीफ लड़के, उनमें से ये एक है। ऐसे पीस बनने बंद हो गए। अब तुम इस मोहब्बत के मरीज को प्यार का वैक्सीन दे दो। अब भी नहीं मानी तो मोहल्ले में ले जाना पड़ेगा। अरे वो हंस रही है। लड़की चुप रहती है मतलब उसकी हाँ है। अगर वो हंस रही है मतलब सीधा सुहागरात के लिए रेडी है। जा जाके झपट ले। अरे ये जी ओजी का नहीं, 4G 5G का फास्ट जमाना है, बोल रहा हूँ। झपट ले यार, बहुत टेंशन होती है। झपट ले, टेंशन दूर हो जाएगी। जा। I love you. ताली बजी, मतलब मेरा सीन हिट है। एक अच्छा इंसान समझ के तुमसे प्यार किया था, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहुत ही घटिया इंसान हो, आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। प्रीति, ए, तुमने क्या कह दिया? प्रीति, प्रीति, लिसन टू मी, प्रीति, प्रीति। यार लगता है कि मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। यार तू इस लड़की से प्यार करता है? अबे यार मैंने किया तो तुझे क्यों झापड़ मार के गई वो? जो लड़की अभी गई वो यही लड़की है? हा? मतलब जिसका ये फोटो है ये वही लड़की थी? ये तो सेम है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। सोचा नहीं था तेरी दोस्ती इतनी महंगी पड़ेगी। दोस्ती इम्तिहान लेती है और जिंदगी वाट लगाती है। अब झापड़ खा के जो फाचड़ किया उसे कैसे सुधारूं? ए, सीधे समंदर है, कहाँ जा रहा है? अबे जब मंजिल हाथ से निकल गई तो किसी भी दिशा में जाऊं क्या फर्क पड़ता है। तो चल। वो रहा अपना भाई। ले जाओ इसको। हाँ भाई, हाँ भाई। चल उठा इसको। ये कौन है? किसी का मर्डर करवाने का है। भवानी मंदिर से प्रसाद लाई है। ए झिंगुर, थोड़े से प्रसाद देने में भी कंजूसी। डार्लिंग आज पूर्णमासी है, नो मर्डर नो किलिंग, समझे ना? तुम्हारे लिए कुछ भी। ठीक है, घर आओ, मस्त चिकन बनाती हूँ। ओके तुम जाओ, मैं आता हूँ। फूल गुलाब का हो या गोभी का, खूबसूरती कम नहीं होती। झिंगुर रास्ते में खड़ा हो जाता है। किस एरिया में मारना है? बसंत नगर भाई। उस एरिया में सबको टपका डालूंगा, तो वहां जाके अपने दुश्मन की लाश पहचान लेना। नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, मैं सारे डिटेल्स लाया हूँ। तू बस जाके अखबार में उसकी श्रद्धांजलि का इश्तेहार छपवा। ए, मर्डर परफेक्शन से करना भाई, सर्जन से भी बढ़िया काटूंगा उसे। ये देख के पता चल रहा है ये कोई अनाड़ी नहीं, पुराना चावल है। आंखें बंद करके भी मार रहा है, मतलब कुंग फू कराटे सीख के आया है। इसको मारने से अपन को पब्लिसिटी मिलेगा। तुम लोगों को 1 हफ्ते का टाइम दिया, मीट मार्केट में इसका बॉडी थोक के भाव बिकना चाहिए। लेकिन भाई इसका मीट कौन खरीदेगा? ए, एक और बोतल मंगा। ए, आराम से यार, पहले से ही टाइट है। ये सीखा मत लेकर आ। रुक रुक रुक, तू तू ये खा चखना का। मैं क्या बोला तेरे को लेकर आना? अरे माँ कसम। ए, इसे यहाँ क्यों लाया? इसको कौन लाएगा? ये मुझे उठा के लाया। बंद आंखों से भी ऐसे ठिकाने पे पहुंच जाता है रे तू। दिल टूटा है नाक नहीं। बता लोचा क्या है? कीर्ति ने लाइफ से डिलीट कर दिया है? पूरा अनइंस्टॉल, रीइंस्टॉल होने की कोई गुंजाइश नहीं। ए जा रे ओ जाना, ये समझ ले कि तेरी पनौती उतर गई। ये ले घटक ले। यार गर्लफ्रेंड थी बाइक थोड़ी, जो बोला कि जा तू भी हाथ साफ कर ले। छी छी छी, छोड़ ना, जानबूझ के थोड़ी की है। सच बता नहीं पा रहा हूँ, झूठ हाँ। छुपा नहीं पा रहा हूँ हाँ। सोच रहा हूँ इसी बार में संन्यास ले लूँ। अरे दिखता नहीं क्या इधर? ऐसा नहीं करने का। दिखता नहीं है, सुनाई देता है। कान तेज है मेरे। चढ़ गई है ना,
मैं भी चढ़ा लेता हूँ, पता नहीं ये क्या करने वाला है। अब जो भी करना है कर। अरे भाई धीरे धीरे, ये चकना महंगा वाला चकना। आइटम बॉय वही लगता है। आ भाई वही है। बर्बाद हो गया। अरे भाई भाई हो गया। आज ही मार्केट में केपी के आदमियों से रगड़ा तूने ही किया था ना? आज तेरी धुलाई करने के लिए आप उन्हें इधर आया है। रेडियो जॉकी। अरे उस दिन लफड़ा किया ना, तूने उनकी हड्डी तोड़ी थी, तो ये औजार लेके तेरी हड्डी तोड़ने आया। छोड़ दे इसको। अब उनको कैसे मारेगा रे? अंधा हूं अंधा तू मारूंगा। लाइट फोड़ के चिल्लर फेंकूंगा, तू उधर मारना। बकवास बंद कर। चुप कर। हेलो राजा। हाँ रानी बोलना। अभी मार्केट आई हूँ राजा। रात में कौन सा मार्केट खुला है तेरे लिए? घर में नींबू खत्म हो गए ना, इसलिए आई। ऐसा क्या? घर जाके नजर उतार। चल अभी फोन रख। अभी वो फोन पे बात कर रहे हैं। ए, जब तुम लोग की भाभी का फोन आए ना तो साइलेंस मोड पे हो जाने का, समझा? जल्दी एक सिगरेट। मरने से पहले आखिरी इच्छा है क्या? इसे काट देता हूँ। तेरी बीवी मार्केट में है ना, उसको पूछ, उसके पास सफेद कपड़े में एक आदमी खड़ा है। इसको कैसे पता कि मेरी रानी इस वक्त मार्केट में है? बोलो मेरे राजा। रानी, वहाँ आसपास कोई सफेद कपड़े वाला आदमी है क्या? ऐसा तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। कोई नहीं है। हम दोनों मरेंगे। ए, उसको बोल भाजी का आदमी ज्यादा देखे। ठीक से देख के बता। तुमने ठीक कहा, वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने खड़ा है। उसके पास मत जाना। मैली आगे पहुंच के हाथ में थैली देखने को बोल। वहीं से देख, उसके हाथ में कोई थैली है क्या? हाँ डार्लिंग, काफी बड़े साइज का बड़ी वाली थैली है। ये फोन खोया ना? क्या हुआ डार्लिंग? उसी थैली में मेरी बीवी मिलेगी। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। इससे पहले तुम सबकी फोटो मेरी आंख में छप जाए, निकल लो इधर से। चल चल चल, चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। भागो रे, इसे मार्केट चलो, कहीं मेरी रानी का सलाद न बन जाए। चले फुट फुट फुट। वो लोग फुट गए। क्या गजब का फॉर्मूला था। अरे भाई तू तो मेरे साथ ही था, तो वो आदमी को तूने कब भेजा? अरे मैं कहाँ किसी को भेजूंगा, मार्केट में कोई ना कोई सफेद कपड़े पहने तो होता ही है। लेकिन हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? हेलो, मैं वैज्ञ हूँ। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। ना कोई बुरी आदत भी नहीं है, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ। आज तक मैंने किसी लड़की को छेड़ा तक नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो। चलो आज ही शादी कर लेते हैं। मुझे तो भाई ये माला पहनानी है। माला पहनाने दो ना, मुझे माला पहना दो। ऑटो भैया, उस एम्बुलेंस के पीछे चलो। चेंज रख लो। भैया काम में मिलेगा ना? क्या है आज का मौसम? भैया चाय मिलेगा ना? मेरे प्लेट में चाय देना। ये लो, थोड़ा सा और खा लो। इस बार कोई गड़बड़ मत करना। ओ एक्टर, वो इधर ही देख रही, चुपचाप खाना खिला। चलना है पागल की सेवा कर। अरे मार क्यों रहे हो भाई? ये ले खा, अच्छे से खा, पेट भर के खा।
मैं तो बोलता हूँ कि ठूस के खाओ, ठूस ले, पेट भरा। अरे रुक ना, भास्कर विनिंग एक्टिंग करना। इस केस को जांच करने के बाद नहीं सुना, वॉल्यूम बढ़ा। इस केस को जांच करने के बाद पता चला वेंकी को एक लड़की से लवेरिया हुआ था और वो बेचारा उससे बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। उस लड़की से इंतजार नहीं हो पाया, उसने सोचा कि वेंकी बेवफा है और उस लड़की ने अपने हाथ का नस काट कर सुसाइड कर लिया। नकली डॉक्टर, तुझे पैसे नहीं दूंगा, तेरे इस घोंसले के लिए शैम्पू दूंगा। फिर जब उसको पता चला कि उसके चक्कर में लड़की का टिकट कट गया, उसके गम में वो पागल हो गया। तुम्हारा जो फ्रेंड आदि है ना, वो साक्षात भगवान का रूप है। कैसे? उसके पागलपन को ठीक करने के लिए ना, उसे अपने गर्लफ्रेंड के पास ले गया, जिसे वो अपने दिलो जान से प्यार करता था। उसने वेंकी की सेटिंग करवाने की कोशिश की, पर उस घमंडी लड़की ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बेचारा वेंकी फुल्ली मेंटल हो गया बेचारा। सो एवरीथिंग इज इन गॉड्स हैंड, नहीं आदि ही उसका भगवान है। पता है, अगर भगवान ने मुझे लड़की बनाया होता, मैं आदि से ही शादी करता। पहले पूरा मर्द तो बन जा, बाद में चेंज करवाएगा। अरे बाप रे, ये पागल बाहर आ गया, जल्दी से इसका चेकअप करता हूँ। ए मुंडी इधर ला। खोपड़ी में जुए ढूंढ रहा है क्या? दिमाग की बीमारी है ना, तो खोपड़ी से चेक करना पड़ेगा। अगर पाइल्स चेक करना होगा तो पागल को सब अलाउड है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। पतली गली से निकलता हूँ। हेलो कृतिका, पता ही नहीं चला तुम कब आई। एक्चुअली हमारा दोस्त वेंकी। बस सब कुछ समझ गई हूँ मैं। मतलब तुमने बातें सुन ली, बस मुझे कुछ और नहीं कहना। I love you. Me too. जल्दी से शादी कर लेते हैं और फिर बच्चे भी। कैसे हो भैया? सर बेल के लिए अप्लाई कर दिया है, एक हफ्ते में आप बाहर होंगे। वो मर चुका है ना? नहीं भैया, मैंने कोशिश की थी। वो मरा या नहीं ये बताओ। नहीं भैया। तुझ पे ज्यादा ही भरोसा कर लिया, मेरी गलती थी। यही खुशखबरी देने आए थे? चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मैं खुद देखूंगा। सर, सर। ए, शिवा। हैप्पी बर्थडे बेटा। शुक्रिया माँ। भगवान जी, आप इसकी शादी बहुत धूमधाम से करवाना। धमाल शादी होगी, फिक्र मत करो, समझे? हैप्पी बर्थडे माय सन। थैंक यू पापा। पॉकेट में पैसे से है ना? हाँ 2500 है। काम कर, 2000 तो दे। क्या हुआ, लाना? पहला बच्चा हूँ जो अपने बाप को सुधारना चाहता है। अबे कोसना बंद कर, बाप हूँ तेरा, ला ये हुई ना बात। थैंक यू माय डियर सन। हेलो। हे बर्थडे बॉय, ट्रीट का क्या सीन है? क्या छोटी चीज मांगी, बताओ कब चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए? आज रात को 8 o'clock डिनर एट माय फेवरेट रेस्टोरेंट। ओके रात को? हाँ, और कब? जैसे कि अब मुहूर्त अच्छा है, रात तक इंतजार करेंगे तो अपशगुन हो जाएगा। रोमांस का मजा तो रात को ही है ना, आज फुल नाइट खूब एंजॉय करेंगे। अरे लेकिन हद खत में कदम बढ़ाने होंगे काउंटिंग के साथ। 1 second। अरे तू छोड़ गई और कहाँ जाऊँ? 16 पे था ना, 15 पे था, याद नहीं रहा। मैं जाके बैठता हूँ। 17, 18, 19, 20 यार कुछ लग रहा है, चढ़ने का। हाँ पहुँच गया, ये टेबल लगती है। शुक्र है, उफ पहुँच गया। मेरे खाने पे नजर है। पिछला ऑर्डर अभी तक यहीं पर पड़ा हुआ है क्या? खुशबू आ रही है।
कुर्सी थोड़ी ऊंची लग रही है, ये तो कुर्सी के कड़क पैर हैं। ये बीच में क्या है? कौन है ये? क्या बदतमीजी है? ये टेबल मैंने रिजर्व किया है, चलो उठो यहाँ से निकलो। हेलो, यहाँ इतनी सारी कुर्सियाँ हैं, तुम्हें मेरे ही गोद में बैठना था? मुझे तशरीफ यहीं पार्क करनी है, तुम निकलो। तो मुझे ही पार्किंग एरिया समझ लो। तेरे कान के नीचे मैं चाटा पार्क करूंगा ना, तब समझेगा तू। क्या हुआ? तुम कौन सी पार्किंग की बात कर रहे हो? पार्किंग नहीं नहीं, मैं तो ये टेबल मैंने रिजर्व किया था, और ये देखो ना, ये बदतमीज यहाँ से उठने रहे। स्टूपिड, अब जाने भी दो ना, यहाँ पर और भी टेबल्स तो है ना। देखो बात को समझो, मेरा जो हिसाब है वो वहाँ से लेकर इसी टेबल तक सही चलता है, वरना हिसाब बिगड़ जाएगा मेरा। बस हो गया, चलो। देखो बात सुनो, चलो ना, देखो बच्चे की तरह जिद मत करो, हम कहीं और बैठेंगे। मुझे यही बैठना, यही टेबल पे बैठना है, नहीं ऐसा मत करो, चलो चले जाओ। अरे हाथ आया, मुंह न लगा। सब कुछ भूल जाओ, आज तुम्हारा बर्थडे है। सच बताओ, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं? तुम ही फर्स्ट और लास्ट हो। मजाक मजाक कर रहा था, हमेशा अकेले केक काटता हूँ, इस बार सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ काटूं। Happy birthday to you. छेड़ रहे हो मुझे। लो 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 लो, आगे दिखाओ। चलो डिनर करते हैं। हाँ, डिनर करते हैं। हाँ। चलो ना, सोच क्या रहे हो? वो आज मेरे कंधे में ना मोच आई हुई है, तुम प्लीज प्लेट ले आओ ना मेरे लिए। अच्छा बताओ, तुम्हें मेरी फेवरेट डिशेस पता है कि नहीं? हाँ सब पता है। तो लाओ। प्लेट में मिट्टी डाल के ना ले आऊं। थैंक यू। एक बार खा के देखना, तुम्हें टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करना। हाँ, चाहोगी? तरफ जाऊं, कहाँ रखा है खाना, फंस गया मैं तो। हाँ? क्या? मेरे लिए वेज लाना। वेज में क्या लाऊं? मटर पनीर। ओके। भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप? दिखता नहीं है क्या? खाना लेने जा रहा हूँ। अच्छा, मेरा हाथ थाम के वहाँ तक ले चलोगे? श्योर। ये कैसे रास्ता दिखा रहे हो? अभी तो तुम्हें चांद तारे भी दिखाना बाकी है। तुम थोड़ा हटके हो। झटके भी देता हूँ। मतलब बिजली विभाग से ना? आउच, आराम से यार। पहुंच गए। ओ थैंक यू सर। हमारे बीच में थैंक्स मत घुसाओ। ये अगरबत्ती कबाब में हड्डी हम दोनों के बीच में कहां से आ गया? मैं भी आया। हाँ? अरे भाई साहब सुनिए, अरे कोई है? वेटर वेटर वेटर, लगता है यहाँ मसालेदार खाना है। वेटर वेटर, ये यहाँ क्या खाने आया है? ए, प्लेट लेकर क्यों घूम रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसकी फेवरेट चीज लेने आया हूँ। यहाँ कौन सी डिश मिलती है? अरे ये डिश तो हर जगह मिलती है। पूरे प्रेशर की वाट लगा दी। चलक। ए, क्या बोल रहा है? ए, वेटर, मैं डिश ले बिना जाऊंगा नहीं, मैंने पूरे पैसे नहीं, मुझे चाहिए। गोली मार दूंगा। मुझे गोली मार देगा? किसी गलत जगह पे हूँ क्या? हाँ बोल यार। सुनना, यहाँ होटल में खाना लेने आया था, पर पता नहीं कहाँ पहुँच गया, थोड़ी हेल्प कर देना यार। अरे यार ठीक है, वीडियो कॉल कर बताता हूँ कि तू कहाँ है। अच्छा ठीक है ठीक है। देख चालू किया, तुझे दिख रहा है कुछ? मैं थाई रेस्टोरेंट में हूँ। आजकल रेस्टोरेंट टॉयलेट जैसे बनाने लगे क्या? देखिए देख, और से देख। कैमरा घुमा। क्या दिखा रहा है तू यार? अरे चिल्ला क्यों रहा है, ऐसा क्या देख लिया? तेरे को मालूम है तू किधर है? कहाँ पे? टॉयलेट में है तू। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हैं? तेरे पीछे ये दुमछल्ला कौन खड़ा है रे? कौन सा दुमछल्ला? कहाँ पर है? तेरे पीछे एक थरकी है, जल्दी वहाँ से निकल यार। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल, निकाल जल्दी। जाने मत, मुझे छोड़ कर कहाँ चले? अरे दरवाजा खोलना पड़ता है। बिना रुक के निकल जा, पीछे मुड़कर मत देखना। तन्हा छोड़ के मत जा। हाय, कहाँ थे मेरे राजा? तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ बोल भाई, तू सीधा चल, तीन कदम पर तेरी टेबल है। पहुंच गया ऊपर। ये लो डार्लिंग। ये क्या है? तुम्हारी सारी मनपसंद चीजें जिन्हें मैंने अपने हाथों से चुना है। हेलो, खाने से ज्यादा चखने की प्लेट लग रही है। बोला तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
हेलो, पौधे को पानी दे रहा है क्या? तुझे क्या लग रहा है? आराम से छींटे उड़ रहे हैं यार। अरे बताना भूल गया, क्या आते वक्त बाइक पंचर हो गई थी, अभी कैब से चलते हैं। कोई जल्दी नहीं है, बाइक ठीक करवा के चलेंगे। लेट हो जाएंगे। नो प्रॉब्लम, आज तो हम बाइक से ही जाएंगे। अब तो खुश हो ना? तुम्हें क्या लगता है? झटके कम लग रहे? नहीं, क्या बात, बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया है? अरे नहीं नहीं, लव कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सर की बेटी के साथ मेरा टाका भिड़ा है, तो उनका अप्रूवल चाहिए था। सही टेंडर भरे लाए बेटो। थैंक यू। ए बगले, सर अंदर है ना? अरे सर आज अच्छे मूड में, जो मांगोगे वो मिलेगा। और जानते हो आज वो दानवीर बने हुए हैं। क्या टाइमिंग है बॉस, आज मंदिर में प्रसाद बटेगा। अच्छा। टेबल के अंदर घुसा देना रिश्वत का सूटकेस, कसम से खुल जाएगा तेरे किस्मत का केस। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ए भाई, तेरी राशि क्या है? कन्या राशि। अपन कुंभ राशि, लकी है अपन तेरे लिए। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। लंगूर को अंदर किसने भेजा? चल निकल यहां से। ए भाई निकल ले, इस सूटकेस के ताले में जंग लगा है, कुछ नहीं होने वाला। अपन कुंभ राशि, लकी है अपन तेरे लिए। सर क्या मुसीबत है यार? सर ने तुम्हें टेरेस पे बुलाया है। टेरेस से धक्का देना चाहता है क्या? अभी 4:30 बज रहे हैं, अंकल से बातचीत करके निकलूंगा। ट्रैफिक में फंसा भी तो 6 बजे तक घर तो पहुंच ही जाऊंगा। अंकल, इतनी प्यारी सी बच्ची का बाप ऐसा जंगली भालू जैसा। हाँ, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट लग रहा है, लगता है यही होगा। हाय हाय अंकल, लगता है पैसों से भरा बैग लाया है, पर मैं लालच में नहीं आऊंगा। मुझे पैसों की पेटी नहीं, बेटी चाहिए। ये कौन सा पिटारा खोल दिया, इसके लालच से तो कोई नहीं बच सकता। एक ही ग्लास लगता अकेले पिएगा कंजूस। मैं इस बिना चाहोगे? नहीं नहीं, मैं क्या, हमारे खानदान में कोई नहीं पीता। अरे ये क्या, ये तो पूरा नीट कटक रहा है। अंकल उस दिन मंदिर में जो सर, ना वो फाइल अभी भी नहीं मिली। अरे वहीं कहीं रखी होगी, ठीक से ढूंढना कदे। ठीक है सर, फिर से ढूंढता हूँ। दूसरे को डांट रहा है। हाँ जल्दी ढूंढ। ठीक है सर। टाइम वेस्ट। मिल गया सर, टेबल पर ही थी। डिस्टर्ब मत करना। ओके सर। एक्चुअली वो मंदिर में जो हुआ वो मैं अरे मेरी बत्ती गुल हो जाएगी। अंकल मैं ना कल आता हूँ और फिर बात करते हैं। इतना रुका क्यों रहा है, इसे पता तो नहीं चल गया कि शाम को मेरी बत्ती गुल हो जाती है। हो गई। साल 4 से 6 तक राहु काल था। मेरे लिए राहु काल खत्म नहीं, शुरू हुआ है। पहली बार आपकी बेटी को टीवी चैनल में देखा था, तब से दिल का टीआरपी बढ़ गया है। पर जब मैंने उसे अपने दिल की बात बताई, प्रपोज किया, तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया।
बोली तुम जाओ यहाँ से, तुम मुझे पसंद नहीं हो। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, बिना मुझे बताए मंदिर लेकर आ गए। मैं डर गया, मुझे समझ में नहीं आया अब क्या करूं, ये लड़की तो मुझे पसंद नहीं करती है, मैं कैसे हाँ कर दूं। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करता हूँ। आप बोलो अंकल, आप बोलोगे तो मैं पीना भी शुरू कर दूं, दो पीऊंगा, तीन पीऊंगा, चार पीऊंगा, धीरे धीरे बेवड़ा बन जाऊंगा। बस आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने जो कुछ भी किया वो आपकी बेटी के लिए किया, अपने प्यार की खातिर किया है। आपने जो बेटी से खंभा उखाड़ा है उसे मैं पूरा घटक जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। लेकिन आपकी बेटी से शादी करके रहूंगा, चाहे मुझे आपके लिए कुछ भी करना पड़े। बस ये मत कहना कि कान में उंगली डाल के मैं टेरिस से नीचे कूद जाऊँ, वरना मेरी शादी कैसे होगी। भाई जो जाऊँ तो अंकल, अंकल बारिश होने लगी, जोर की बारिश हो रही है, छाता लाओ, छाता कहाँ है छाता। सच बता, तू देख नहीं सकता क्या? नहीं नहीं अंकल, किसी ने आपको झूठ बोला है, मुझे तो आपकी डाई की भी मूंछ भी दिख रही है, अंधा नहीं हूँ। कितनी उंगलियां हैं? कितनी उंगलियां हैं? ये तीन। एक्चुअली अंकल सिर्फ रात को नहीं दिखता है, पर दिन में करेक्ट गिन सकता हूँ मैं। मतलब रतौंधी का रोग है तुझे? रतौंधी का नहीं पता, पर नाइट ब्लाइंडनेस। सीधा बोलना, अंधा है, मेरी बेटी से शादी करेगा, तू उसकी लाइफ अंधेरे में धकेलना चाहता है। अंकल, अंकल, ए फोन उठा लेना भाई, सुबह से कॉल कर रही है। फोन ना उठाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? किलो के हिसाब से फोन कर रही है, क्या आदमी है। किस मुंह से बात करूंगा यार उससे। हेलो, इनकमिंग कॉल फ्री नहीं है क्या? हेलो, ऐसे कॉल रिसीव करते हैं क्या? मैं तुमसे ही बात कर रही हूं। क्या काका, गजब है रे, वो बोल रही है, बात कर लेना। हेलो, हेलो, क्या नौटंकी है, तुम फोन नहीं उठा सकते क्या? इसी वक्त मेरे घर पहुंचो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या फायदा मिलके, जो भी गाली देनी है इसे फोन पे दे दो, मुंह पे नहीं खा पाऊंगा। आने की रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये ऑर्डर है, बाय। क्या हुआ भाई? घर पे बुला रही है। हाँ तो चल क्लियर बात कर लेना, चल। जिंदा बचा तो पार्टी लूंगा, नहीं मर जाएगा तो श्रद्धांजलि दूंगा। लगता है इन लोग ने भैंस भी पाल ली है, वाह वाह। अरे ये तो अंकल के गले की आवाज थी। ये कार्टून कौन? मैं दोस्त बाला। हेलो अंकल। बस ठीक है ठीक है, बैठ जाओ। चलो ठीक है। अच्छा, हाँ। कल तुम मेरे ऑफिस आए थे है ना? आपको ये बताने कि जो मंदिर में आए थे या नहीं? आया था अंकल। जहाँ तक मुझे याद है हम टेरेस पे बैठे थे ना? टेरेस पे मैं मंदिर वाली बात बताने पे। हम गए थे या नहीं? हाँ अंकल गए थे। हमने काफी देर तक बातें की थी ना? बाद में बता ही रहा था कि मंदिर वाली जो। हमने बातें की थी या नहीं? हाँ बातें की थी अंकल। इन्फॉर्म किए बिना क्यों चले गए थे? इन्फॉर्म किए बिना क्या बोल रहे? क्या सीन है? इनकी आदत है, नशा उतरते ही बातें भूल जाते हैं। ऐसा क्या? सही है। क्या बात, क्या बात। तो वैसे हमने कल क्या बातें की थी बेटा? मैं कह रहा था कि बैंगलोर जाएंगे,
पर आप जिद पर थे कि बैंकॉक जाना चाहिए, यही बात हो रही थी। वो किस लिए? हनीमून के लिए, हमारे हनीमून के लिए। दोस्त का भी टिकट बुक करवाना है। हनीमून में इस कार्टून का क्या काम? आपको भी कंफ्यूजन हो गया ना। हाँ। दोस्त तो अपने गांव जा रहा है ना, उसकी टिकट। क्या ख्याल है बेटी, बैंकॉक ओके है ना? जैसी आपकी इच्छा। देखो बेटा, एक दूसरे को लाइक करते हो, अपने पेरेंट्स को लेके आओ, मुहूर्त निकाल के फटाफट शादी का डालते। ओके ओके। नमस्ते, चल चल भाई। सुनो बेटा। जी बोलिए। अब तो मेरी बेटी मेरे जैसे लगती है ना, चाहो तो और गौर से देख लो। हाँ अंकल, आपके जैसी। हाँ, ये आपके जैसी मतलब आपके जैसी मूछ लगा देंगे तो जुड़वा भाई लगेंगे आप दोनों। क्या बात है, वरना पाषाण हो जाएगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो मुझे कहां पर ले आई? आओ बताती हूँ। पहला इनविटेशन कार्ड हॉस्पिटल में देने आई है। ए, ये देखो, आज मैंने सूरज को पकड़ लिया। तुमने क्या किया? अरे बाप रे, वो देख, वो डॉक्टर आ रहा है, मेरा रिश्तेदार है। मेरी तरह उसके बिना गए धड़ाम तोड़ मत देना, ठीक है? तेरा रिश्तेदार? हाँ। मैं तो पागल हूँ। मेरे प्यार के खातिर तू बलि चढ़ गया, माफ कर दे यार। ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया? कांग्रेट्स दोस्त। वो सब ठीक है, पर ये पैर कटा कैसे? 2 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में मैंने दोनों पैर खो दिए। तुम्हारी बीवी? वो एक अपाहिज के साथ नहीं रह सकती है, इतना कह के चली गई। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई यार। कृति, अगर कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाए या फिर मैं अपाहिज हो जाऊं तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी क्या? सच्चा जवाब देना। मेरे हीरो, मेरा ये सोचना है, अगर हाथ पांव गए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर आंखें गई तो टाटा कर दूंगी। सब लोग एक शादी में गए हुए हैं। पता है, डबल बेड पे करवटें ले रही हूँ मैं। अच्छा? घर आ जाओ। भाभी, हे, आ जाओ ना, आके सुला दो। अकेले डर लग रहा है तो मैं मम्मी को भेज देता हूँ। बहुत अच्छी लोरी सुनाती है वो। हेलो, कोई जरूरत नहीं है आने की, चलो फोन काटो। अच्छा सुनो, हेलो हेलो, पहुंच गए। अरे भाई धीरे धीरे, ये पड़ोसन के हाथ का मार खाएगा क्या? रुक, छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। हेलो अंकल। अरे रजाक भाई की माफिक मजाक कर रहा हूँ, क्या तू भी। ये ठीक है, हाँ मिल गया, तू जा। कब तक ऑनलाइन देखूंगा, आज लाइव टेलीकास्ट देख लेता हूँ। निकल यहाँ से। पकड़ लिया, फटफटी लेकर फोर हो जा। हे, ये पट्टी क्यों बांध रखी है? शादी से पहले पवित्रता खोना मेरे लिए घोर पाप है। तुम्हें देखा तो बेकाबू हो जाऊंगा। अब प्यारी सी गाइड बन के मुझे अपने सोफे तक ले जाओ प्लीज।
अलग ही फीलिंग है ना, लेट नाइट हो, हाथ में हाथ डाले, तुम्हारे कांधे पे सिर रख के उम्र भर यूं ही चलती रहूं। गर्दन अकड़ जाएगी। गंदा वाला जोक था। वैसे ये रात को घूमना सेफ नहीं है, तो घर चलते हैं। तुम साथ हो तो किस बात का डर? पहले अपनी आंखें खोलो। नहीं, 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 मैं नहीं देख सकता। ये पाप है, पाप है। आंखें खोलो। कमरे में हो या सड़क पे, पाप पाप है। वरना मैं ये नहीं दूंगी। मैं आप नहीं खोल सकता हूँ। आंखें खोलो। अरे नहीं, जब तक आंखें नहीं खोलो प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। देखो मैं तुमसे कृतिका, अरे भाई कोई है यहाँ पे? कोई है क्या? हाँ कृतिका, कुछ तो बोलो कृतिका, कोई है? कोई हमारी मदद कर सकता है क्या? तुम साथ हो तो किस बात का डर? चिंता करने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा 2 दिन में डिस्चार्ज दे देंगे। ये डेली सोप वाला एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है? मैं ये शादी नहीं कर सकता, इसे रोक दो। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका पति हर मुसीबत से उसे बचाए। क्या मैं उसे बचाने के लायक हूं? मेरी आंखों के सामने उसका एक्सीडेंट हुआ और उसे बेबसी के अलावा कुछ नहीं दिया मैंने। एक ना एक दिन इस बीमारी का राज उसके सामने खोलना ही पड़ेगा। क्यों ना ये कड़वा सच आज ही बता दूं कि शाम 6 बजते ही मुझे कुछ नहीं देखता, कैसे जी पाएगी वो मेरे साथ? ये वजह तो चलेगी ना शादी से इनकार करने के लिए। सब खत्म हो गए, सब खत्म। मैं उसे बताने जा रहा हूं। कहाँ जा रहा है? बैठ। तू हमेशा अपने अंधेपन से परेशान क्यों रहता है बेटा? जो तेरी बीमारी की हंसी उड़ाई या तेरे दर्द को ना समझा, असल में वही अंधा है। जिससे प्यार करते हैं उसे उसकी कमियों के साथ अपनाते हैं। तो मुझे सच सच बता, उससे सच्ची मोहब्बत करता है ना, इसीलिए तो उससे अपनी कमी छुपाई। अरे क्या जरूरत है छुपाने की, उसे खोने का डर था ना। शाम होते ही तेरी जिंदगी बेमतलब हो जाती है, पर उसके लिए तू ही उसकी जिंदगी है। उसके प्यार को ठुकरा मत,
कि शादी हो कर रहेगी। अरे यही नियति है। और एक बात सुन ले बेटा, इसके अलावा तुझे और कोई लड़की मिलने वाली भी नहीं है। हाँ सच कह रहा हूं। हाँ? अरे समधी जी, ऐसा बच्चों की तरह रो क्यों रहे? बेटी की हालत देखी नहीं जा रही है। पूरी लाइफ मैंने उसे एक खरोच तक नहीं लगने दी, आज क्या हालत हो? सबका जिम्मेदार मैं हूँ। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल भर आया तो बाईपास करवा लो। यहाँ पीने का जुगाड़ हो सकता है क्या? अंकल ये हॉस्पिटल है, ड्रिप में चढ़ा के दूं? दामाद जी, जी मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। वाह दामाद जी, आप से भी ज्यादा। ये बात तो मैं भी जानता हूँ। अब ऐसे चिप्स का पैकेट पकड़ाना जरा। लगता है ये बहुत पकाने वाला है। तुम्हें रात को दिखाई नहीं देता है ना? करेक्ट करेक्ट। बड़ा कमीना है भाई। मेरे बीपी आए हो रहा है क्या? फ्रॉड कहीं के, मेरी बेटी से शादी करेगा? माँ कसम, ग्लास घटकते ही इसके सामने फ्लैशबैक आ गया। ए, भैया जेल से छूट गए हैं। अपने सभी लड़कों को इकट्ठा करो और सीधा गोडाउन पहुंचो। ए, उसकी शादी इसी शहर में है ना? बस भाई आज मैनेज कर ले, तेरी जीत पक्की है। दुल्हन आ रही है। हाय। तुम्हें मेरी ड्रेस कैसी लगी? कहाँ खड़ी है नहीं पता, ड्रेस क्या बताएगा है? हरा रंग मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक क्या भाई, हरे में हार जाएगा। गुलाबी है। सॉरी गुलाबी मुझे पसंद नहीं है। मेकअप तो अच्छा है ना? तू तो गया बेटा, उल्टी आ रही है। ढंग का पार्लर नहीं मिला क्या? भूतनी लग रही है। आराम से, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है मॉम। अरे भाई गुस्सा क्या कर रहा है, तारीफ करनी चाहिए ना। शादी के दिन दुल्हन ने गंदा मेकअप ही कर दिया। तेरा कुछ नहीं होने वाला। आंटी की साड़ी में मार। चुप रहो शैतान। भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए ये तो पोपट है। कहाँ से बोल रहा है? मुंह से बोल रहा हूँ भाई, पुलिस कहीं हमें ट्रैक ना कर ले इसलिए फोन की बजाय वायरलेस से बात कर रहा हूँ भाई। मेरे घोंसले में दिमाग है ना। बहुत शाना है तू भाई। केक बाद में काटना, पहले आप यहाँ आ जाओ। आ रहा हूँ ना, पहले केक काटूंगा फिर उसके हाथ पैर भी काटूंगा। सब लोग जरा इधर देखिए। ओके ओके, सेल्फी लेते हैं। हाँ लो लो। यो। अरे ये मरवाएगा। आखिर देख कहाँ रहा है? कैमरा उधर है। अरे उस तरफ है। अरे वो पुराना तरीका है, ये नया स्टाइल है। खींचो 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 भाई, खींचो ऐसे। दूल्हा है ना, सब इधर आना पड़ेगा। पागल करवा के छोड़ेगा आज। भांजे, अरे वो भांजे, इनकी जोड़ी जम रही है। एकदम झकास ढिंचा। अगर और बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा। दोस्त के लिए खुश होना चाहिए, आजकल के बच्चे। आइए आइए अंदर जी। बिल्कुल जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये छोले भटूरे कहाँ मिलेंगे? हाय, क्या हाल है दोस्त? एकदम बढ़िया है। हाँ, ये वही संतोष है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। है अंकल आंटी आ रहे हैं। थैंक यू। हेलो अंकल जी। ये अंकल से हाथ मिला के करंट क्यों लग रहा है? अरे आंटी की कमर है तो बताया क्यों नहीं? सच बता, थोड़ा थोड़ा दिखता है ना। अरे अगर दिखता तो आंटी पे थोड़ी हाथ साफ करता। सही जगह हाथ फिराया है। अच्छा बेटा, तेरी शादी में अभी तक कुछ झोल नहीं हुआ है। मैं कुछ करता हूँ। डार्लिंग डार्लिंग, पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। डार्लिंग यहाँ क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है, छुपा हुआ हूँ, क्यों ढूंढ रही हो? पहले आप बाहर तो आइए। तुम्हारे पास क्यों आऊँ? क्योंकि आप मेरे पति हो।
जब तक आदि की शादी नहीं हो जाती किसी और को अपना पति बना। कहाँ फंस गई हूँ मैं? तुम भांग खा के आए हो क्या? पहले बाहर आओ। मार देगा मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा। बैग मुझे दो। रुको यार। अब जाओ भी। वो तेरा ससुर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अरे बाप रे। अरे जाके देख, वो पीने वीने तो नहीं बैठ गया? पूरी पोल खोल देगा। मैं उसे ढूंढता हूँ, तू संभाल लेना, ठीक है ना? हाँ। अच्छा सुन, वो जो उसकी शराब वाली पेटी है ना, उसको छुपा देना। मैं यहाँ पे सब मैनेज कर लूंगा, टेंशन मत ले। तुम हवा से खुसर फुसर कर रहे हो क्या? खुसर फुसर नहीं कर रहा हूँ, बच्चों के सामने किस करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पता ही था। अरे ये सॉफ्ट ड्रिंक है यार। अच्छा? हाँ। मैंने सही कहा ना? टेस्टी है यार। टेस्टी है ना? हाँ शराब ही है, थोड़ा मूड है, मुझे पीने तो देना भाई मेरे। नहीं नहीं आज के दिन। अरे मेरी बेटी की। चीखो चिल्लाओ, मैं नहीं देने वाला। सुन। बोलो भाई, क्या गिफ्ट चाहिए आपको? बोलो ना, क्यों सुना सुना भाई? बोलो। गिफ्ट लेने का नहीं, देने का है भाई। एक छोटा सा पिक मारे क्या? कांग्रेस भाभी जी। थैंक यू। हे कांग्रेस भाभी, क्या बात है यार, इससे हीरो लग रहा है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा पैर एक्सीडेंट में कट गया? अरे वो देखो, तुम्हारी बुआ के चाचा का मामा का दाई तुम्हें बुला रहा है, देखो ना। तुम किसी और के साथ भागी थी ना? बोल रही है, मैं किसके साथ भागी? अरे इसका मतलब वो वाले भागने से नहीं था, ये तो जॉगिंग की बात कर रही है जानू, ये थोड़ी सी खिसकी हुई है। एक्चुअली तुम चुप रहो, ये मायके चली गई थी, अब वापस आ गई है। किसकी बात चल रही है? तुम थोड़ी देर रुको, मेरे पैर हो जाए। मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पीछे काफी लंबी लाइन है। बधाई हो बेटा। थैंक यू आंटी। थैंक यू। ये लो। जोड़ी अच्छी है ना? अरे इधर आओ तुम लोग। ये। ओ जाओ उधर खेलो, उधर खेलो, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। हाँ। आँखों में तेरे में डूब जाऊँ। आ गया तू? ए बेटा, हाँ बोलना। ये गवैयी आंखों आंखों पे इतना जोर क्यों डाल रही है बे? उसका आंखों का राब अलाप बंद करवा और कोई अच्छा गाना बजवा शादी वाला। सुनिए सर, अब ये वाली फरमाइश मुझे वाला भी सुनना है। अच्छा तो ये है, दूल्हे के लिए गिफ्ट है ना, देता हूँ मैं ये। अरे वो दूल्हे के लिए था। रुक रुक, अरे मार मत दे, ए रुक, एक भाग कर रहा है। भैया हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? बैठो आराम से। मरने से पहले उसकी आंखों में खौफ देखना चाहता हूँ। अबे मूर्ति बन के क्यों खड़ा है? हाँ ढीला, स्माइल कर। अबे शादी है तेरी। अच्छा अच्छा ठीक है। ये तो आपको चाट के जाने के लिए बोल रहा है। मस्त एक्टिंग की ना? सही है बेटा। हाय। नहीं रे, अपनी मौत को हेलो कह रहा है। चलो जल्दी जल्दी पी लो, कोई आ ना जाए। हाँ चलो चलो जल्दी करो। नहीं आज नहीं। क्या है, इंपोर्टेड ब्रांड पीने से कोई रोकता है? विलायती है क्या? सच सच बताओ, मेरा मेकअप अच्छा नहीं था? नहीं था, नहीं था, नहीं था। आपके स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? सस्ते पार्लर में मत जाया करो। ओके, गुस्सा मत करो ना। ओके। ए, सब के सब सो गए क्या? अरे उसको जाके मारने का था, उसको मार के उसको हैप्पी डेथ डे बोलने का था, उसका रिटर्न गिफ्ट देने का था। तुम लोग सब आलसी लोगों सो गए, उठो उठो, उसको मारने का है। अरे जाना। अरे सुपारी का एडवांस ले लिया है। अरे 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 ये क्या कर रहे हैं? चक्का दिया। आप उनको एक्स्ट्रा समझता है क्या? अरे 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 मैं तेरा बॉस हूँ, क्या कर रहा है? अरे बॉस की चुप्पी ले रहा, छोड़ छोड़, उठ उठ और काम पे लग चल। अरे सब के सब आलसी लोग हैं, बर्बाद लोग, सब नालायक लोग पाल रखे हैं। तूने अभी तक इसको फोड़ा नहीं? फोड़ दिया।
हैप्पी बर्थडे। बाला यहाँ पे है क्या? तेरे ससुर के साथ देखा था। किसी तरह सब मैनेज हो गया यार। मेहमानों को कैसे हैंडल किया वो मैं ही जानता हूँ। सोच शादी के बाद मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। देख भाभी जान का फोन होगा। हेलो। ए, बिना दुल्हन किससे शादी करेगा? कौन बोल रहा है? उसे जिंदा देखना चाहता है। मैरिज हॉल से बाहर आ जा। क्या हुआ? किसका फोन था? अरे बोल ना किसका फोन था? मुझे बाहर लेके चल चल। क्या हुआ? अरे कौन है? चलो उठा इसे। बोलो तुम लोग किसी का कार्ड? रुको, कुछ तो बोलो। इसे बाहर निकालो। चल निकल। रुको, ओए रुको, रुको। दानों में कमाई साख को एक ही रात में राख कर दिया तूने। कृतिका, 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 रुक जा। पकड़ इसे। ए, तू अंधा है क्या? अब तुम्हें पता चला जैसे हीरो समझ रहे थे वो दरअसल जीरो है। ये सच है, मुझे छह के बाद दिखाई नहीं देता है। इसको कादर खान वाली बीमारी है। जब कोई अपना दुख या तकलीफ बताता है तो लोग उसे तसल्ली देते हैं, पर तुम लोग मेरी बीमारी के बारे में जान के उसका मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, मेरे साथ जो करना है कर लो, पर उसे कुछ मत करना प्लीज। वो मेरी जिंदगी है, मेरी ये आंखों की रोशनी है। वो इससे बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? चाकुला उठाओ इसे। बस करो, अभी मानने का क्या फायदा? अपनी मौत नहीं देख पाएगा, जिंदा रहने दे। उस लड़की को अपनी लाइफ बोल रहा है, पहले उसे मार। अपनी आंखों के सामने उसकी मौत का भयानक मंजर देखेगा। नहीं, नहीं। सूरज उगते ही दिखना शुरू हो जाएगा। वेट कर लेंगे, सुबह होने तक गोडाउन में डाल दो इसे। उसे कुछ मत करना। रुको, रुको, ऐसा मत करो, रुक जाओ। कृतिका, कृतिका, शादी कैंसिल। शादी जी पूरा खंबा उतार दिया। दू क्या एक नाटक करता है, मेरी बेटी की शादी अंधे से करवा रहा है, मुझे अकल का अंधा समझता है। क्या बात हो गई? अरे सुनिए सुनिए, इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं आप?
प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफी? बहुत अच्छी एक्टिंग की तुम सबने। और खानदान हो तुम लोग, सबने मिलकर हमको धोखा दिया है। ए, काम आ गया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे डरपोक चूहे। आखिरी पटियाला पैक हो जाए, लास्ट वाला अंकल। चीयर्स। ए, खत्म कर दे। ए, वही रुक, इसका थोपड़ा देखने का है। ए, खिड़की खोल। मेरी लव स्टोरी तुझ जैसे विलन के बिना पूरी नहीं हो सकती है। चलो उठ ताकि तुझे पूरा करूं। चलो उठ। कृतिका, कृतिका, कृतिका। भैया, मैं पूजा हूँ भैया। तुम कौन और क्यों हो? दुल्हन का मेकअप करने गई थी भैया, मुझे किडनैप कर लिया। नहीं था, नहीं था, नहीं था। आपका स्टैम्प पेपर भी लिख के दूं। थैंक यू सो मच भैया, मेरी जान बचाने के लिए आपने गुंडों से फाइट की ना। हाँ वो तो है। दीदी तुम्हारे पास फोन है? हाँ वो तो सबके पास होता है। एक कैब बुक कर दोगी प्लीज? कैब नहीं, एम्बुलेंस भैया। हाँ,
अरे यार ये कैसे हुआ? सॉरी यार, सबको पता चल गया मेरी वजह से यार। सुन, ए, ये शर्ट पे खून कैसे लगा? हाँ क्या हुआ तुझे? हाँ कुछ तो बोल। मुझसे गलती हो गई जो मैंने झूठ कहा। अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। जब से मैंने होश संभाला है तब से मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है। ये बात मुझे पहले से ही पता थी। उससे तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। उस उल्लू के पट्टे को रात में दिखाई नहीं देता, समझी? दूर ही रहना उससे। मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। दिन के 12 घंटे मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। सच्चे प्यार में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। तुम मुझे खोने से इतना ज्यादा डरते थे, मुझे यही सोचकर अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? सब कुछ पता होते हुए भी मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, अभी भी नहीं समझे? चलो चल के फेरे लेते। तुम तो शादी के लिए तैयार हो, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं है। हम एक अंधे को अपना दामाद नहीं बना सकते, समझी? चाहे कुछ भी हो जाए। मॉम, ऐसा कौन सा इंसान है जिसमें कोई कमी ना हो? आप पापा की आदतें बर्दाश्त करती हैं। जब प्यार करते हैं तो उनकी कमियां नहीं देखते, इसीलिए मैंने इसे अपनाया। मान भी जाओ ना। और बाप रे, बहुत लेट हो गया। मैं इसके साथ बहुत खुश रहूंगी। ए, टाइम की कदर नहीं है तुम सबको? अब किसका इंतजार हो रहा है? मुहूर्त का समय हो गया ना। देखिए लगता है होश में आ गए। तो भाई कार्यक्रम आगे बढ़ाओ ना। अरे कोई ढोल बल बजाओ ना। यार तिजोरी लग रही है। 6 बजे के बाद गाइड बनने की मेरी ड्यूटी खत्म भाई। थैंक यू यार। पापा कहीं दिख नहीं रहे? वो तो कल रात से गायब हैं। आसानी से नहीं मिलेंगे। कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक्स यार। मजा करना। शाम हो रही है। थैंक यू यार। चल चल बैठ जा। बाय 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 बाय। अरे ये फर्नीचर कहाँ से आ गया? टोटल 15 लग रहे हैं, तेरे लिए 5 चबाने जैसा है। ऑल द बेस्ट। ढो डाल सबको। सिगरेट पता नहीं आज किसके जलाएगा। ए, तेरी बीवी कहाँ है? आप उनको पता था तू यही सवाल पूछेगा, इसलिए आप उन रानी को इस बार साथ ही ले आया है। अब तू क्या स्टोरी बनाएगा? तेरे बच्चे इस बार अपन पूरी तैयारी के साथ इधर आए लाए, समझा क्या तू? सब सेफ है तो डेंजर में किसको डालूं? ए, तेरी बीवी सेफ है, तेरे बच्चे सेफ हैं, पर क्या तू सेफ है? सीने पे देख, शूटर निशाना लगा रहा है। अरे बाप रे, स्नाइपर शूटर्स, स्नाइपर शूटर्स, गोली मत चलाना, मार मत, शूट मत करना। इसका धुआं बुझने से पहले तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम सबको। रुक रुक रुक, अभी मत बुझाना मेरे भाई, अपने दिल की जलन मिटा देता हूँ। एक मिनट। अरे ये चिरकुट, ये अपना अपना मोबाइल एरोप्लेन मोड पे रखना। कभी काले बंदर को उबासी लेते हुए देखा है क्या? ये गुंडे की शक्ल है। मेरे दोस्त का पावर देखा ना, गली गली में शूटर रखता है, बाजी काटने का चाकू लेके गुंडा बनता है, हैं? तेरे लिए मेरा थप्पड़ी काफी है। ये ले 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 अभी। आज के बाद वो अपुन का टारगेट नहीं है, हैं? तू है। अरे तेरा टारगेट का टी अभी के अभी यहीं पंचर करता हूँ। सभी झिंगुर लोग को लेके सीधा चिड़ियाघर जाना। जा 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 निकल। क्या बोलता है भाई? अच्छा ये बता, ये शूटर स्नाइपर तेरे पास है क्या? बिल्कुल है, वो देख ऊपर।
अरे इन बच्चों के भरोसे मेरे को लड़ने भेज दिया। अरे फिर से आएंगे तो मैं क्या करूंगा? वो तेरा प्रॉब्लम है, अगला टारगेट मैं हूँ यार। अरे क्या करूँ यार, मैं तो हनीमून पे जा रहा हूँ, देख ही रहा हूँ। थोड़ी ये तो चीटिंग है। अरे वो मुझे मार डालेंगे, मेरे को साथ ले चल। अरे अब तुझे ले जाने की जरूरत नहीं है। रुक, हम इसे देख लेंगे, तू जा यार, मजे कर। अरे क्या हो गया, जाने देना इसे, नाइट हो जाएगा। एक जगह आ तो फिर मिलेंगे। अरे रुक जा, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई। अरे रुक जा, अरे ये दोस्त आ रहा है।